वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यूपी में बीजेपी की सरकार कुछ हरकत में आएगी और यूपी में जो मन चले लोग हैं, जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उन पर ये सरकार जरूर अंकुश लगाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आज सुबह उठी और मैंने न्यूज़ वगैरह देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर जिले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है, अति निंदनीय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। और यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि हाथरस के बाद ये लोग हरकत में आएंगे, लेकिन नहीं आए। और बलरामपुर की घटना जब मैंने आज सुबह न्यूज में देखी तो मुझे झकझोर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मीडिया में जाकर यदि यूपी सरकार नहीं जाग रही है तो मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए, मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि जब से ये सरकार बनी है तो ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर अब तक पता नहीं कितने फरमान जारी कर दिए हैं। इस सरकार ने आए दिन लोगों के मकान खूब तोड़े हैं, एनकाउंटर भी खूब किए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। लोग तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने अभी तक कार्रवाई की है लोगों के मकान तोड़ने में और एनकाउंटर में, तो इसमें ईमानदारी कम है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ ज़्यादा है। मेरे ख्याल ये बहुत ही ये नीचे किस्म की यह हरकत है। यदि ऐसा है, जो लोगों की आम चर्चा है, यदि इसमें सच्चाई है तो ये इससे कोई यूपी की सरकार को हम अच्छी सरकार नहीं कह सकते हैं। तो और ख़ास तौर से इस सरकार में वैसे तो सभी वर्ग के लोग दुखी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लोग दुखी हैं, हर प्रकार का अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ा है। मैं हर किस्म का जो है क्राइम बढ़ा है, लेकिन जो हमारी बहन बेटियां हैं तो वो तो इस सरकार में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आए दिन किसी न किसी रूप में यहाँ बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। दलित समाज की बहन बेटियां तो अब यहाँ कतई भी सुरक्षित नहीं है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। और इस मामले में खासकर अभी हाल ही में हाथरस की ताजा घटना ने तो पूरे देश की जनता को हिलाकर रख दिया है। और इस घटना के बाद
जब ये घटना घटी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि अच्छी बात है कि सभी पार्टियाँ, विपक्ष की सभी पार्टियाँ सड़कों पर उतरी हैं सरकार को जगाने के लिए। हम कोई उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब ये घटना घटी और ये मालूम हुआ कि जो जिसके साथ ये घटना घटी वो दलित वर्ग की है और पुलिस और प्रशासन का रवैया बहुत घटिया किस्म का था परिवार के साथ जो है, और परिवार को लग नहीं रहा था कि उनको न्याय मिलेगा, तो मैंने तुरंत ही इसका गंभीरता से संज्ञान लिया और लखनऊ से मैंने 28 सितंबर को लखनऊ से श्री गयाचरण दिनकर के नेतृत्व में तो बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा 28 सितंबर को कि मुझे सही तथ्यों की जानकारी मिल जाए और परिवार को मेरी ओर से ये दिलासा दिलाए कि बीएसपी उनके साथ खड़ी है। और जब 28 सितंबर को श्री गयाचरण दिनकर के नेतृत्व में बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल उधर परिवार से मिलने के लिए गया तो वहां के पुलिस प्रशासन ने उनको उनके घर में नहीं जाने दिया, उनको थाने में बिठा लिया और कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे तो हम उनके परिवार के लोगों को थाने में मिला देते हैं। तो परिवार के जो लड़की जिसकी मृत्यु हो गई है उसके भाई को और उसकी माँ को थाने में बुलाया गया, वहाँ उनसे मिलवाया गया। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और वहाँ के पुलिस कर्मी उनके सामने बैठे रहे कि ये कुछ और ना बता दे, बड़ी गंभीर बात है। जब मुझे ये सारी जानकारी मिली तो मैंने बोला ये मामला अति गंभीर है, लेकिन इत्तेफाक से तो वो लड़की जिंदा नहीं रह सकी, उसकी डेथ हो गई। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि डेथ होने के बाद तो पुलिस प्रशासन ने उसके परिवार को उसकी डेड बॉडी नहीं सौंपी, और उनको सौंपने की बजाय देर रात में तो उसका दाह संस्कार पुलिस प्रशासन ने खुद करा दिया और उनको परिवार के लोगों को वहां मौके पे नहीं पहुंचने दिया, उनके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए। ये क्या है, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है ये? और जब पीड़ित परिवार ने मीडिया में ये सारी बातें संज्ञान में लाई तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही, ये देखकर बड़ा दुख हुआ और पुलिस प्रशासन इस मामले को पूरे तौर से दबाने में लगी हुई है। और मैं सोच रही थी कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि सरकार शायद हरकत में आएगी, बहन बेटियों की हिफाजत के लिए कुछ सख्त कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। कुछ ही घंटों में तो बलरामपुर में एक दलित छात्रा की जिस तरीके से उसके साथ गैंग रेप किया फिर उसकी हत्या की गई, ये दोनों घटनाएं ऐसी लग रही हैं हाथरस और बलरामपुर की, वो निर्भय कांड की याद दिलाती है, बहुत बुरा हुआ है। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ घंटों में आजमगढ़ में, फतेहपुर में, झांसी में, बागपत में, बुलंदशहर में बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं कुछ महिला उत्पीड़न की, और कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कि जिस भी जिले में महिला उत्पीड़न की घटना ना घटती हो। बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति में तो जब यूपी सरकार, मतलब हमारी माताएं बहनें तो जो हुकूमत कर रहे हैं, खासतौर से आदित्यनाथ योगी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है, आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं चला सकते हैं सरकार। और यूपी गवर्नमेंट जाग नहीं रही है, अभी भी नहीं जाग रही है, और केवल इस किस्म की ये हाथरस की घटना और घटना घटने से, उनकी आर्थिक मदद करने से या उनको प्लॉट देने से, नौकरी देने से, तो इनके ऊपर जुर्म जाति
नहीं रुकेगी, इनको सख्त कदम उठाने होंगे, जो ये सरकार बुरी तरीके से फेल हो गई है। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि यूपी गवर्नमेंट नहीं जाग रही है, आदित्यनाथ योगी इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, तो केंद्र की सरकार को जागना चाहिए। और केंद्र की सरकार से मेरा यही कहना है कि यदि केंद्र की सरकार ने तो आरएसएस के दबाव में आकर इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन इस लायक नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का में बढ़िया शासन प्रशासन यूपी की जनता को दे सके। तो मुझे क्या लगता है, बीजेपी को आरएसएस के से बात करनी चाहिए, उनके शिकंजे से बाहर निकलना चाहिए। आरएसएस के आपको उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचना चाहिए। और मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है गोरखपुर में मठ में वहां बैठा दें, और यदि उनको गोरखपुर का मठ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी ये काम उनको सौंप दे तो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम जो आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है वो तो रुक जाए, और इसके स्थान पर वो किसी और ऐसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाए तो जो उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे सके। और यदि नहीं बना पा रहे हैं और आरएसएस का बहुत ज्यादा दबाव है तो मेरा बीजेपी के लोगों को हाईकमांड को यही कहना है, केंद्र की सरकार को यही कहना है कि थोड़ी रहम करें उत्तर प्रदेश की जनता पर। आबादी के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि आप उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं वाराणसी से कम आपको तो ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि जब आदित्यनाथ योगी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा या तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए, वरना बेहतर यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित में तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया बनाए। और मैं मांग करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, तो मेरी केंद्र की सरकार से यही कहना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता के हित में बेहतर यही होगा, बहन बेटियों के के हित में यही बेहतर होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि बहुत इनको कितना आजमाएगी बीजेपी, केंद्र की सरकार कितना आजमाएगी। अब तो यूपी में असेंबली के चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, तो जब इनके बस की नहीं है सरकार चलाना तो बेहतर यही है कि या तो नेतृत्व परिवर्तन करें या फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट टूर लगाकर उत्तर प्रदेश की जनता को यहाँ पर जो गुंडे बदमाश है, माफिया है, अराजक तत्व है, मन चले लोग हैं, जो बहन बेटियों की बिल्कुल भी इज्जत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उनको इनसे जो जनता त्राही त्राही कर रही है, त्रस्त है, तो उनसे बचाने के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाए, तो ये भी मेरी केंद्र की सरकार से ये पुरजोर मांग है। और आज मुझे विवश होकर खास तौर से मैं सोच रही, मैंने पहले भी बताया फिर इस बात को रिपीट कर रही हूँ, तो जब मैंने बलरामपुर की घटना हाथरस के बाद कुछ ही घंटों में इधर ये अब घटना देखी, मैंने बलरामपुर में दलित वर्ग के साथ, वैसे तो सभी समाज की बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो मेरा अंदर से बहुत तकलीफ हुई, मुझे लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है। ये तो इसलिए मैं आज मीडिया में क्यों आई हूँ सुबह, मेरे को एक एक मिनट बलरामपुर की घटना देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मुझे मीडिया में जाकर तो केंद्र की सरकार को आगाह करना चाहिए कि बहुत हो गया है, अब बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गई है, केंद्र की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सख्त कदम उठाना होगा। और सख्त कदम यही है कि इनको यहाँ पर बेहतर यही है कि प्रेसिडेंट रूल लगाए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी और इसका जो बुरा असर है पूरे देश पर पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र की सरकार तो मेरी जो खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और बहन बेटियों को लेकर जो मेरे दिल की भावना है उनकी कदर करते हुए, तो मेरे ख्याल ये कदम केंद्र की सरकार को जरूर उठाना चाहिए। और मैंने कई बार जबकि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कई बार बोला कि यदि आप उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था चाहते हैं तो आपको जो है बिना हिचकिचाहट के तो यूपी में जो बीएसपी की चार बार सरकार रही है बीएसपी के नेतृत्व में, मैंने किस तरीके से गुंडों बदमाशों और माफियाओं को तो उनको मैंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं, और बहन बेटियों की इज्जत की मैंने हिफाजत की। और इस मामले में मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि मुझे लगा कि हमारी पार्टी के आदमी ने भी गलत काम किया तो उसको भी मैंने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। तो इसलिए मेरा यही कहना है, मैंने शुरू में कहा था कि इसमें कोई आपको हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए, यदि आप तो आपको मेरी सरकार ने जो सख्त कदम उठाए थे उसकी नकल कर लेते, 50% भी कर लेते तो मेरे ख्याल लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया और बहुत बुरा हुआ है। आए दिन फरमान जारी होते रहते हैं, नए नए कानून बनते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है जमीन के ऊपर। तो मेरा यही कहना है कि अब अति हो चुकी है, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है, 99 नहीं 100% पूरा भरोसा हो गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है तो ये यूपी की सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप या तो नेतृत्व परिवर्तन करें, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाए, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर रहम करें, यही मेरी अपील है। धन्यवाद।